सो गाइस फिलहाल मैं हूँ तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसको पटना साहिब या तख्त श्री पटना साहिब भी कहते हैं। काफ़ी ही खूबसूरत गुरुद्वारा है ये गुरुद्वारा पटना सिटी के अंदर आता है। पटना सिटी पटना का एक काफ़ी ही पुराना इलाका है, जैसे कि ओल्ड दिल्ली दिल्ली का एक पुराना इलाका है। ये जो गुरुद्वारा है ये एक सिख आर्किटेक्चर है। 18 सेंचुरी में बनने के बाद करीबन 1959 में इसको रीइनोवेशन किया गया और फिलहाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है ये। खैर जितने भी गुरुद्वारा होते हैं वो सारे डिनोटेड होते हैं गुरु गोविंद सिंह को। इसका भी पुराना इतिहास गुरु गोविंद सिंह से ही जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस गुरुद्वारे को, थोड़ा अंदर बैठते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक लंगर भी लगता है, उसका प्रसाद भी चखेंगे। सो गाइस अभी मैं लंगर का प्रसाद खा के आया, काफ़ी बढ़िया था, मज़ा आ गया। फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ पास में एक घाट है गंगा का, जिसको शायद कंगना या कंगन घाट कहते हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप पटना साहिब घूमने आते हो तो उस घाट पे जाना तो मस्ट है। वहाँ चलते हैं, देखते हैं वो किस प्रकार का है। सो गाइस यहाँ गुरुद्वारा है, बाहर निकलते ही यहाँ जस्ट सामने ही लेफ्ट कट है। इस लेफ्ट कट को लेके आप पहुँच सकते हो यहाँ पे जो घाट है कंगन घाट या कंगना घाट।